मेरे भैया 2 साल से विदेश में थे और इस बीच भाभी प्रेग्नेंट हो गई थी। भाभी बेहद खूबसूरत थी। घर में उनकी एक अलमारी थी जिसे भाभी हमेशा लॉक करके रखती थी। एक दिन जब मेरी भाभी घर से बाहर गई थी, तब मैं नकली चाबी से उस अलमारी को खोल कर देखी तो मेरी भाभी का सच जानकर मैं बेहोश हो गई। मेरी भाभी तो दिसंबर में मेरी शादी थी और मेरे भैया पिछले 1 साल से विदेश में थे। मैं भी अपनी शादी से काफी खुश थी। मेरी शादी को 5 महीने बाकी थे, अभी से तैयारी चल रही थी। भाभी और मेरी माँ दोनों मेरी शादी के लिए लगातार खरीदी करते थे। दोनों सास बहू मार्केट के लिए निकल जाती हैं। भैया के ना रहने पर रात को मैं भाभी के कमरे में ही सोती। भाभी के कमरे में 2 अलमारियां थी, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी अलमारी में ढेर सारे कपड़े और मेकअप के सामान से भरी हुई थी और छोटी अलमारी हमेशा लॉक रहती। इस अलमारी में क्या सामान था मुझे नहीं मालूम था। मैं जब भी भाभी से पूछती तो कहती कि शादी के जेवर वगैरह रखे हुए हैं। रात को हम दोनों नंद भौजाएं खूब हंसी मजाक और ढेर सारी बातें करते हुए सो जाते। कभी कभी भैया का फोन आता तो वो दूसरे कमरे में जाकर घंटों फोन पर लगी रहती और इधर मैं भी अपने मंगेतर समर्थ से फोन पर लग जाती। इस तरह 3 महीने बीत गए। भैया के आने में अभी 2 महीने का वक्त बाकी था। एक रात अचानक मेरी आंख खुली, उस वक्त 1 बज रहे थे। तभी मैंने देखा तो भाभी बिस्तर से गायब थी। मुझे लगा कि भैया का फोन आया होगा, लेकिन भाभी का फोन बिस्तर पर ही था। मैं बाहर निकली तो देखा कि भाभी बाथरूम में थी और उल्टियां कर रही थी। मैंने भाभी को आवाज लगाई, भाभी सब ठीक तो है ना? तभी भाभी बाथरूम से बाहर निकल आई और बोली, कल मार्केट में उल्टा सीधा खा लेने की वजह से बदहजमी हो गई है, इसीलिए ये उल्टी हो गई। अभी दवा ले ली हूँ, अब ठीक महसूस कर रही हूँ। सुबह भाभी मम्मी के साथ मार्केट में ना जाकर अकेले ही निकल गई। भाभी के साथ मैं मार्केट जाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने बहाने से मुझे भी रोक दिया। मैं भाभी के कमरे में ही सोती थी, इसीलिए भाभी कमरे को लॉक नहीं करती थी। घर का काम निपटाकर मैं भाभी के कमरे में गई और भाभी की छोटी अलमारी खोलकर देखने का मन हुआ, लेकिन उसकी चाबियां भाभी छिपा कर गई थी। मैं घर की सारी नई पुरानी चाबियां इकट्ठा की, सभी चाबियों से अलमारी को खोलने की कोशिश करने लगी और एक पुरानी चाबी से अलमारी खुल गई। उसमें गहने और भैया भाभी के जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ मुझे कुछ दवाइयां मिली। मैंने मोबाइल से दवाइयां की फोटो ले ली और अलमारी को पहले की तरह बंद कर दिया। भाभी की दवाइयां, मैं तो कुछ दवाइयों को पहचान गई। 3 साल पहले जब मैं कॉलेज में थी तब मुझे भी ऐसी गलती हो गई थी और मुझे गर्भ ठहर गया था। मेरे बॉयफ्रेंड को पता चला तो उसने मेरा साथ देने के बजाय मुझसे किनारा कर लिया। बोला कि ये बच्चा मेरा ही है, मैं कैसे यकीन करूं। गर्भ साफ करने की खुद से कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हालात की गंभीरता को देखते हुए मैंने भाभी से सब कुछ बता दिया था। भाभी ने तब मेरा बहुत साथ दिया और मुझे कुछ ऐसी ही दवाइयां ला कर दी जिससे मैं ठीक हो गई। उस घटना को 3 साल बीत चुके थे, लेकिन भाभी ने मेरे इस गहरे राज की किसी को खबर तक न लगने दी। भाभी की अलमारियां से दवाइयां की फोटो को देखकर मैंने सर्च किया तो मालूम हुआ कि ये दवाइयां 2 से 3 महीने का गर्भ साफ करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये जानकारी मिलते ही मैंने घर के कूड़ेदान को खंगाला तो वहां मुझे दवाइयां के कुछ खाली रैपर्स मिल गए। पूरे दिन मैं हैरान और परेशान होकर अपनी भाभी के चरित्र के बारे में सोचती रही। भैया के ना रहते भाभी प्रेग्नेंट हो गई, मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था। भैया को विदेश गए 1 साल हो गए थे। इस बीच भाभी एक बार भी मायके नहीं गई थी। घर में मेरे छोटे भाई विक्की के अलावा मर्द कोई था नहीं। विक्की की उम्र अभी सिर्फ 15 से 16 साल की थी। भैया भाभी की शादी को 4 साल ही हुए थे। दोनों पढ़े लिखे थे और भैया को विदेश जाना था, इसीलिए दोनों को बच्चे की कोई जल्दबाजी नहीं थी। इसीलिए भाभी ने अभी तक कोई बच्चा नहीं किया था। भाभी की खूबसूरती ऐसी थी कि कोई भी फिदा हो जाए। शाम तक भाभी मार्केट से सामान लेकर वापस घर लौट आई, बहुत थकी थकी सी लग रही थी। मैंने पूछा, भाभी इतना वक्त कहाँ लग गया? तो भाभी बोली, तेरी शादी का कुछ जरूरी सामान
लेने के लिए मैं चौक गई थी, इसीलिए थोड़ा वक्त लग गया। लेकिन मुझे शक था कि भाभी पूरे दिन किसी मैटरनिटी हॉस्पिटल में बच्चा साफ करने गई थी। रात हुई तो भाभी और मैं दोनों बिस्तर पर थे। मैंने भाभी से पूछा, भाभी तुम मेरी भाभी हो, उससे ज्यादा तुम मेरी एक सच्ची दोस्त भी हो। 3 साल पहले तुमने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया था, मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। इस वक्त तुम्हें ये बात क्यों याद आ रही है ऐशा? तुम मेरी नंद ही नहीं, प्यारी छोटी बहन की तरह हो, समझी? मैं कुछ कहती कि भाभी के फोन की घंटी बजी और वो फोन लेकर बाहर जाते हुए बोली, तुम्हारे भैया का फोन है। भाभी के फोन पर भैया का ही फोन है। इस बात पर मुझे यकीन नहीं हुआ तो मैं अपने फोन से सीधे भैया को फोन लगा दिया और एक ही बार में फोन उड़ गया। मैं बोली, भैया कैसे हो आप? भैया ने कहा, मेरी 30 तारीख की टिकट कंफर्म हो गई है। ये बताने के लिए मैं तेरी भाभी को अभी कॉल करने ही वाला था कि तूने फोन कर दिया। बता तूने कैसे फोन किया? मैं बोली, भैया भाभी के लिए कोई ऐसा गिफ्ट लेते आना जिसे मैं भाभी को दे सकूं। वो मेरी शादी के लिए बहुत मेहनत कर रही हैं। मैं उन्हें अपनी ओर से कोई गिफ्ट देना चाहती हूँ, लेकिन आप भाभी को उस गिफ्ट के बारे में मत बताना कि मैं अभी आपको कॉल किया है, प्लीज भैया। तो भैया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि ठीक है, पगली में नहीं बताऊंगा, लेकिन लाना क्या है वो तो बता देती। छोड़, कल तक तेरे दिमाग में अगर सरप्राइज गिफ्ट के लिए कोई आइडिया आ जाए तो मुझे मैसेज कर देना। मैं भैया से बात करते हुए बाहर गई। भाभी पर नजर रखी हुई थी, वो भी फोन पर लगी हुई थी। ये देखकर मुझे इतना तो यकीन हो गया था कि भाभी इस वक्त भैया से नहीं बल्कि किसी और से बात कर रही हैं, और जब बातें पूरी हो जाएंगी तब भाभी भैया को फोन लगाकर उनसे भी थोड़ा बातें कर लेंगी ताकि उन पर शक की गुंजाइश ना रहे। भाभी चौक से लौटी थी तब से थकी थकी सी लग रही थी। फोन कटने के बाद बिस्तर पर आई और सो गई। मैं सोच रही थी कि ये तो बहुत बड़ी धोखेबाज है ये औरत, या भाभी अपनी जवानी कंट्रोल ना कर पाई और अनजाने में कहीं गलती कर बैठी है। तब तक मैं सच न जान लूं मुझे चैन नहीं मिलेगा। देखते देखते भैया के आने का समय करीब आ गया। अब तक भाभी भी बिल्कुल ठीक हो गई थी और भैया के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन मैं अब तक भाभी के राज को न जान पाई थी। भाभी का राज जानने के लिए मुझे भाभी का फोन खंगालना था। मुझे लगता था कि भाभी के फोन में कुछ राज तो जरूर मिल जाएगा, वरना भैया के आने से पहले तो भाभी सब डिलीट कर देगी। एक दिन घर में कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। मैंने भाभी को किचन में बिजी देखा तो मैं भाभी से बोली, भाभी मैं समर्थ से बात कर रही थी कि फोन कट गया, जरा अपना फोन देना। तो मुझे पहले से पता था कि भाभी कोई ना कोई बहाना बनाएगी, वही हुआ। भाभी बोली कि मेरा फोन बिल्कुल चार्ज नहीं है, कल से इतनी बिजी हूँ कि भूल गई, अभी चार्ज पे लगाया है, थोड़ी देर बाद चार्ज हो जाएगा तो ले जाना। भैया के यहाँ पहुंचने में 3 दिन बाकी रह गए थे। अब मेरी सब्र का बांध टूटता जा रहा था। आज भाभी के साथ मुझे मार्केट जाना था, लेकिन मैंने बहाना कर दिया और भाभी मेरी माँ के साथ मार्केट के लिए निकल गई। दोनों के घर से निकलते ही मैंने भाभी की छोटी अलमारी फिर से खोली और बड़ी बारीकी से एक एक सामान को खंगालना शुरू कर दिया। भाभी की शादी की एल्बम में भैया और भाभी की फोटो के नीचे एक फोटो और छुपी हुई थी। मैंने उस फोटो को बाहर निकाला तो मेरे होश उड़ गए। ये मेरे मंगेतर समर्थ और भाभी की पुरानी फोटो थी। मैं ये देखकर हिल गई। भैया के साथ ही बहुत बड़ा धोखा नहीं हो रहा था, बल्कि भाभी मेरे साथ भी बहुत बड़ा धोखा कर रही थी। जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ वही लड़का मेरी भाभी का भी आशिक है और भाभी रात को उसी से बात करती है। इतना ही नहीं, समर्थ ने भाभी को प्रेग्नेंट भी कर दिया है। ये सब बातें अब मेरे लिए बर्दाश्त से ऊपर हो चली थी। मुझे लगा कि मैं अभी घर में सभी को भाभी की असलियत बता दूं ताकि मेरी जिंदगी तबाह होने से बच सके। भाभी की असलियत खुलने से भैया को भी उस जहरीली नागिन से छुटकारा मिल जाएगा। भाभी और समर्थ की फोटो को उजाले में रखकर मैंने अपने मोबाइल से फोटो ले ली और अलमारी को फिर से पहले जैसा करके उसे लॉक कर दिया। मैंने सोचा कि अपने मोबाइल से ली गई इस तस्वीर को भैया को भेज दूं और उन्हें पूरी बात बता दूं, लेकिन फिर कुछ सोच कर भैया के आने तक का खुद को रोक लिया। मैं अपने बेड पर लेटी हुई भाभी और समर्थ के धोखेबाजी के बारे में सोच सोच कर रोने लगी। मैं दोनों से बे इंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन अब वही मोहब्बत बे इंतहा नफरत में बदल चुकी थी। मुझे याद आया कि समर्थ से मेरे रिश्ते को जोड़ने में भाभी का ही हाथ था। समर्थ भाभी के मामा का लड़का था और अच्छी जॉब में था, इसीलिए मेरे घर वाले झट से इस रिश्ते के लिए राजी हो गए थे।
अब इस बात का पक्का यकीन हो गया कि मेरा मंगेतर मेरे भाभी का बॉयफ्रेंड था, जिससे भाभी की शादी नहीं हो पाई होगी। मेरे भैया से शादी के बाद भी दोनों का अफेयर चलता रहा होगा, और फिर दोनों ने मिलकर यही प्लानिंग की होगी कि समर्थ मुझसे शादी कर लें और नए रिश्ते की आड़ में दोनों का पुराना नाजायज रिश्ता कायम रहे। अगले दिन भैया आने वाले थे, मैंने पूर्व सबूत उठा लिए थे। भाभी और समर्थ की असलियत खोलने के लिए इतना सबूत काफी था। मैं भी किसी भी कीमत पर समर्थ जैसे दरिंदे से बात नहीं कर सकती थी, इसलिए 2 दिनों से मैंने अपना फोन बंद कर रखा था। शाम को भाभी मार्केट से लौटी और सीधे कमरे में पहुंचकर मुझसे बोली, ऐशा जरा ये झुमके पहनकर देखो तो, अगर तुम्हें पसंद ना आए तो इन्हें मैं रख लूंगी। मैंने भाभी को इस बात का जवाब दिए बिना वहां से उठी और गुस्से से किचन में चली गई। भाभी को मेरा ये रवैया अजीब सा लगा। वो मेरे पीछे पीछे किचन में आई और बोली, तुम्हारा फोन क्यों बंद है? मैं मार्केट में थी तब समर्थ का फोन आया था। वो बोल रहा था कि 3 दिन से तुमने फोन बंद कर रखा है। मैं अपने गुस्से को काबू ना कर पाई। मैंने अपना मोबाइल ऑन किया और अलमारी वाली तस्वीर को भाभी के मुंह के सामने रखते हुए बोली, तुमने और समर्थ ने हमें समझ क्या रखा है? भाभी कल भैया को आ जाने दो, फिर सबके सामने तुम दोनों की अय्याशियों की हकीकत तो मैं बताऊंगी। पूरी दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के लायक न रहोगे। मेरी यह बात सुनकर भाभी पर जैसे बिजली गिर गई हो। वो खुद कुछ देर खड़ी रही और मैं उन्हें वहीं छोड़कर सीधे कमरे में चली गई। भाभी कमरे में आई और बोली, बस 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम मुझे जो भी सजा देना चाहो दे देना। तुम्हारा शक काफी हद तक सही है, लेकिन पूरा सच नहीं। समर्थ मेरे दूर के मामा का लड़का है, उसके साथ मेरा बचपन गुजरा है। हम दोनों ने साथ में पढ़ाई की, मैं उसे पसंद करती थी, वो भी मुझे पसंद करता था, लेकिन हमारी शादी नहीं हो पाई। 4 साल पहले मेरे घर वालों ने तुम्हारे भैया से मेरी शादी कर दी और मैं समर्थ को भूल गई, वो भी मुझे भूल गया। 1 साल पहले मुझे पता चला कि वो अभी तक कुंवारा है और शादी के लिए अच्छे लड़के की तलाश में है। तब मैंने तुम्हारे रिश्ते की उससे बात कर ली और उसके घर वाले भी राजी हो गए। भाभी की बात सुनकर मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ। मैं बोली, मेरी शादी समर्थ से तो तुम इसीलिए करवा ही रही हो ताकि मेरे रिश्ते की आड़ में तुम्हारी प्यास भी बुझती रहे, लेकिन तुमसे मेरी शादी तक भी ना रुका गया और कुछ दिनों पहले ही उससे तुम प्रेग्नेंट हो गई। तुम्हारे अलमारी में मुझे गर्भ साफ करने की दवाई मिली थी, मैंने अपने मोबाइल में उन दवाओं की फोटो भी ली हुई थी। ये देखो, भाभी बोली कि तुम कैसी बातें कर रही हो, ये 2 साल पुरानी दवाएं हैं, इन पर लिखी डेट तो देख लेती। तब मैं इन दवाओं को अपनी अलमारी में छुपा कर रखती थी ताकि अगर तुम्हें दोबारा जरूरत पड़े तो मुझे बाहर यूं भटकना ना पड़े। मैंने फोटो उसको जूम करके देखी तो सच में ये पुरानी वाली मेरी ही दवाई थी। मैं बोली, उस रात तुम उल्टियां कर रही थी और मैं कूड़ेदान में भी एक दवाई का रैपर दिखा। अगले दिन तुम अकेले चौक के बहाने से डॉक्टर के पास निकली थी। भाभी बोली, कूड़ेदान वाली जो दवा तुमने देखी है ना, वो पेट दर्द की दवा है। अगर तुम्हारे पास वो रेपर्स हो तो अभी चेक कर सकती हो। और अगले दिन मैं चौक ही गई थी, वहां से खरीदे गए सामान मैं चौक की दुकानों के से कुछ बिल रखे होंगे, चेक कर लेना। मैं छुपा कर रखे कूड़ेदान वाली दवा को निकाला और सर्च किया तो पता चला कि भाभी सही कह रही थी। फिर उस डस्टबिन में सामान में चेक चौक की दुकानों के बिल भी मिल गए। मैं भाभी के आगे थोड़ा शर्मिंदा हुई। फिर मैंने भाभी की अलमारी से मिली फोटो के बारे में सवाल किया तो भाभी बोली, मेरी अलमारी से तुमने जो फोटोस निकाली है वो समर्थ के साथ मेरी तब की तस्वीर है जब कॉलेज के आखिरी दिन हम दोनों अलग हुए थे। जब समर्थ से तुम्हारा रिश्ता जुड़ा तब मैं यही तस्वीर तुम्हारे भैया को दिखाई थी। वैसे मैंने अपने और समर्थ के बारे में सारा सच शादी से पहले ही तुम्हारे भैया को बता दिया था। मैंने समर्थ से तुम्हारा रिश्ता इसीलिए जुड़ा क्योंकि समर्थ को मैं बचपन से जानती हूँ, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। मेरी शादी होने के बाद उसने कभी भी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की है, बल्कि वो अब मुझे अपनी सगी बहन की तरह मानता है और मुझसे दिल की बातें शेयर करता है। वो अभी शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन जब मैंने उससे कहा तो वो झट से राजी हो गया, क्योंकि वो जानता था कि मैं उसकी बहन होने के नाते उसके लिए हमेशा अच्छा ही सोचूंगी। मेरा एक आखिरी सवाल बाकी था। मैंने पूछा, उस दिन तुम भैया से बात नहीं कर रही थी, क्योंकि जब तुम बाहर किसी से बात कर रही थी तब अंदर भैया से मैं बात कर रही थी। इस सवाल पर भाभी जोर से हंसी और बोली, मैं तुम्हारे भैया से ही बात कर रही थी। तुम्हारे भैया के फोन पर तुमने कॉल किया
तो मैं चुप हो गई। जब तुमने अपना सीक्रेट भैया को बोला तब मैं लाइन पर ही थी। और जरूरी नहीं कि हर वक्त मैं तुम्हारे भैया से ही बतियाती रहूं, कई बार मेरे घर वालों का भी कॉल होता है। लेकिन उस दिन तो मैं तुम्हारे भैया से ही बात कर रही थी, वरना तुम्हारे सीक्रेट गिफ्ट वाली बात मुझे कैसे मालूम होती। तुम चाहो तो उस दिन की मेरी कॉल डिटेल्स चेक कर सकती हो। मैंने भाभी का पूरा सच जाना तो मेरा सारा गुस्सा गायब हो गया। मैं बेहद शर्मिंदा थी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। कुछ ही पलों में मैं सब कुछ बदल गया और भाभी पर मेरा प्यार और दुगना हो गया। मैं रोती हुई अपनी प्यारी भाभी से लिपट गई और बोली, भाभी हो सके तो मुझे माफ कर देना। भाभी ने प्यार से मुझे गले लगा लिया और बोली, समर्थ से बात कर लो, वो 3 दिनों से तुमसे बात करने के लिए बेचैन है। ये कहकर भाभी कमरे से बाहर चली गई। भाभी के जाते ही मैंने समर्थ को फोन लगा दिया। तो कभी कभी जो सच में हमें सच दिखाई देता है वो सच नहीं होता है। इसीलिए किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले दोस्तों हमें दोनों तरफ के पहलू को जान लेना चाहिए। धन्यवाद।